मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को इंटरव्यू दिया और एक राष्ट्रीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए इंटरव्यू में खुलकर बोले सीएम अशोक गहलोत। जी आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने कई बुनियादी सवाल उठाए। राजीव गांधी ने दिया था 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार, 18 साल के नौजवानों को बनाया था देश की किस्मत बनाने का हकदार। मोदी जी जिन नौजवानों को बहकाने से बाज आए, बुनियादी मुद्दों पर बात करें, ये सब कुछ कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और साथ ही ये भी कि नई पीढ़ी को भ्रमित करना है ये पीएम मोदी का काम, भावनात्मक उद्वेलन पैदा ना करे पीएम मोदी। इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और हमेशा के लिए पाकिस्तान को अपंग कर दिया था। तिरानवे हजार पाक सैनिकों को कराया था आत्मसमर्पण, ये कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और साथ ही ये भी कि लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया सेना की उपलब्धि का राजनीतिक उपयोग, कौन कर सकता है हमारी देशभक्ति पर शक। ये भी सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी जी सेना की उपलब्धि का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, बार बार सैन्य अधिकारियों को मीडिया के सामने लाते हैं, जबकि पूरे देश को अपने सैनिकों के शौर्य पर भरोसा है। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें खुलकर बोले और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस में ही राजीव गांधी ने 18 साल के नौजवान को देश का मुकद्दर, देश की किस्मत चुनने का हक दिया था। और पीएम मोदी बुनियादी मुद्दों पर बात करें, नई पीढ़ी को भ्रमित करने का काम ना करें। और साथ ही ये भी कहा कि भावनात्मक तरीके से पीएम मोदी देश के जवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ खेल रहे हैं। और एक 1971 का समय याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 93,000 पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उस मुद्दे पर, कभी भी उस एक्शन पर राजनीति नहीं की। लेकिन मोदी जी सेना की उपलब्धि का राजनीति फायदा उठा रहे हैं और बार बार सैन्य अधिकारियों को मीडिया के सामने लाके खड़ा करते हैं, जबकि पूरे देश को अपने सैनिकों के शौर्य पर भरोसा है। एक राष्ट्रीय अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुलकर बोले और जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई।